मौजूदा तीन रुकनी बेंच के फैसले पर अमल ना करें, हुकूमत इत्तेहादी की अदालती फैसले के सामने दीवार बनने की कोशिश। कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर, बलोचिस्तान से रुकने कौमी असम्बली खालिद मक्सी ने करारदाद पेश की। करारदाद में तीन रुकनी बेंच की बजाय फुल कोर्ट में केस की समाअत का मुतालबा किया गया। पंजाब में इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का वफाकी और सूबाई हुकूमतों से रजू का फैसला। इलेक्शन कमीशन फंड्स और सिक्योरिटी प्लान के लिए वजारत खजाना और वजारत दाखिला को खतूत लिखेगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 21 अरब के फंड्स मरहला वार मिलने का इम्कान। सिक्योरिटी प्लान के लिए पंजाब हुकूमत के पी से रब्ता किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन तारीख ना देने पर पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और गवर्नर केपी को फरीक बनाया गया। गवर्नर केपी ने मीडिया पर 28 मई की तारीख का ऐलान किया, बाद में मुकर गए। अकलियती फैसला नाफिज नहीं करना चाहिए, फुल कोर्ट ना बनाया गया तो मुल्क में सियासी और आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। आईन के मुताबिक आम इंतखाबात का तरीका कार तय है। सुप्रीम कोर्ट के असफुद नोटिस के मामले पर कानून साजी का अमल जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनकार, तहरीक इंसाफ का वज़ीरे आज़म समेत वफाकी काबीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। मरकजी सेक्रेटरी इत्तला पीटीआई फारूक हबीब ने वफाकी सेक्रेटरी काबीना डवियन को खसूसी खत लिख दिया। वफाकी काबीना के 4 अप्रैल के इजलास के शुरू का एजेंडे, कार्रवाई और फैसलों की तफसीलात मांग ली।